पलवल के गांव अहरवा में नवविवाहिता के हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि दहेज के लोभियों ने गले में फंदा लगाकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति सहित चार आरोपियों के खिलाफ हत्या, दहेज हत्या व मारपीट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं मृतका के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। मेरी सिस्टर की शादी रिसेंटली 27 नवंबर को की है और ज्यादा दिन शादी को नहीं हुआ, लगभग 3 महीने पूरे नहीं हुए। कल 3 महीने पूरे नहीं हुए, लगभग कल शाम 4 बजे को सिस्टर का फोन आया था। पापा को बोल रहे थे कि ऐसे ही हमारा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे और मेरे को दिक्कत सी हो रही है यहाँ पे, तो उसके बाद फोन काट दिया गया है, उससे बात नहीं थी करने की। फिर उसके आधे घंटे बाद फिर फोन आता है कि उनका जो हस्बैंड है बलराम जी, उनका कि आपकी लड़के की तबीयत खराब है, आप आ जाइए यहाँ पे। फिर 15 मिनट बाद फिर से फोन आता है कि आपकी लड़की एक्सपायर हो गई है, आप यहाँ पे जल्दी आ जाइए। जैसे वहाँ पर चाचा जी पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनके परिवार वालों में से घर पर कोई भी नहीं मिलता है, अकेली जो हमारी सिस्टर है वो एक रूम के अंदर खाट पर लेटी हुई मिलती है, जिसपे उसको गला घोटकर मारने के हुए निशान है उसके गले पर, यहाँ पर राइट साइड में हाथों पे भी चोटों के निशान है, जिसका सीधा सीधा उन्होंने प्री प्लानिंग के साथ मर्डर किया गया है। और इस मर्डर में इन्वॉल्व है उनके परिवार वाले, उनके पिताजी हैं ज्ञान सिंह, उसका भाई मनीष और उसकी मम्मी सत्वती, इन चारों लोगों की प्लानिंग के तहत एक मर्डर है। कारण सर, इनमें जो हमारे जो लड़की के ससुर जी है उनका परसों फोन आया था मेरे चाचा जी को, उन्होंने बताया है कि हम आपकी लड़की को नहीं रखेंगे, उन्होंने कुछ दहेज की और ऐसी डिमांडें रखी हैं और आप अपनी लड़की को ले जाइए, अपना फैसला कर लीजिए। चाचा जी ने बोला है ऐसा कोई नहीं होता, छोटी मोटी जो बातें होती रहती हैं हम आके बात कर लेंगे, पर जब तक हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें मर्डर हुआ मिलता है, ऐसा हमें बात करने का कोई उनसे मौका ही नहीं मिला है कि हम बात कर सकें। क्या देखा आपने वहाँ जाके? वहाँ पे घर पे हमें हमारी सिस्टर की लाश मिलती है जाने के बाद, वो बताते हैं कि वहाँ पे फांसी लगाई, बट ऐसा कोई भी वहाँ पे फांसी का कोई भी वो नहीं मिलता हमें सबूत, जिससे लगता हो कि हमारी सिस्टर ने फांसी लगाई हो, क्योंकि वहाँ पे ना तो कोई उनके घर वाले हैं, वहाँ पे मिलती हाँ खाट पर डेड बॉडी मिलती है और कान के नीचे बस चोट के निशान है, हाथों पे चोट के निशान है, गर्दन पे कहीं पर भी कोई ऐसे निशान नहीं है जिससे कि लगे कि फांसी। और नहीं था घर में कोई भी? घर में कोई भी नहीं मिलता हमें जब हम पहुँचते हैं वहाँ से, घर वाले सभी फरार हो जाते हैं। वो मामला ये है कि रश्मि नाम की लड़की की मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों ने दरखास्त दी थी और उस दरखास्त में मुकदमा दर्ज कर दिया है। 4 आदमियों के नाम है, सास ससुर पति और देवर, और उनको अरेस्ट करने के लिए अलग अलग टीमें बनाई हुई है और सभी टीमें उनके पीछे लगी हुई है, जल्दी अरेस्ट कर लिए जाएंगे। क्या आरोप लगाया? आरोप प्रीतनों ने यह लगाया कि 2-2.5 महीने पहले शादी करी थी और लड़की को इन्होंने जो दहेज के लालच में आकर हत्या कर दी है। कार्रवाई चल रही है।